अगली खबर में बात करते हैं मुरैना की, जहां 50 वर्ष की एक अधेड़ महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बलात्कार करने वाला उसका रिश्तेदार है। महिला ने सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया है कि बैरियर चौराहे से बानमौर अपने घर जाने के लिए खड़ी थी। उसी दौरान उसकी ननद कसम दी उसके पास आया और बोला कि तुमने जो रुपए हमें दिए थे वह घर चलकर ले लो। महिला ने इनकार किया तो अपने कुछ साथियों के साथ उसने उसको बंधक बनाकर ले गया और अपने घर के कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार कर डाला। महिला के साथ पूरी रात उसने बलात्कार किया तथा मारपीट की। महिला ने बताया कि वह कैलारस की रहने वाली है। वह 27 सितंबर 2022 को अपने रिश्तेदार के यहाँ बानमौर जा रही थी। वह बस के इंतजार में बैरियर चौराहे पर खड़ी थी। उसी दौरान उसकी ननद कसम दी शहजाद खान निवासी होमगार्ड कॉलोनी जौरी अपने कुछ साथियों के साथ उसके पास पहुंचा और बोला कि हमने तुमसे जो कर्ज लिया है उसे वापस करना है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। महिला ने इनकार किया तो उसने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर जबरन गाड़ी में डालकर अपने घर जौरी ले गया। वहां उसने उसको एक कमरे में लाकर बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार कर डाला। महिला ने बताया कि उसको रात भर कमरे में बंद रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया गया। महिला ने बताया कि उसने ना केवल उसके साथ बलात्कार किया बल्कि उसके साथ मारपीट की। महिला ने यहां तक बताया कि उसके घर की महिलाओं ने भी उसके साथ मारपीट की तथा उसकी बेइज्जती की है। महिला ने अपने साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम मामले की पूरी हकीकत कर रहे हैं तथा जल्द ही आरोपी भी हिरासत में होंगे। घटना करी है, मेरा मुंह बंद करके ले गए। मैं जाके चौकीदार लग गए, मोटरसाइकिल इनके मेरे से बुलाए ले। तो मेरी वो हाल करी है, मेरे को होश नहीं दिया। मैं बानमौर जा रही थी तो वो बैरियर पे मिल रही थी, मुंह बांध के ले गए। आधा हाथ बांधे और मुंह बांध दिया, बात चम चम दे। शहजादा ने किया गलत काम, अकेले ही था वो और सब बात खड़े थे। मारपीट की गई थी, मारपीट मेरी बेइज्जती करी है ना ही, फिर बुरी हालत करी, फिर बिन्ने बेइज्जती करी है, फिर बिन्ने लात गई है किवाने में लात दे के ना ही किवार खुल गया ना ही, फिर जो कही क्या बजाय मारो सोनो और मोल ला के फोन कर दिया जो थाने को।